तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड फोर के बारे में, जो कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू का मेथड फोर है। और इसमें कह रहा है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इज यूज फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, जो कि आपका इक्वेशन वन हो गया। वेन द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ इज नॉन एज द, एंड यहाँ पे P और Q आपका क्या होगा, फंक्शन होगा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल X का। और सी एफ को हम लोग फाइंड करने के सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू, जो कि आपका इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। एंड वाई वन एंड वाई टू बी द सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल X नाउ अकॉर्डिंग टू द यानी पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई इज इक्वल टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू, जो कि इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। एंड वेयर ए एंड बी विद द सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर गिवन बाई ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू आर डी एक्स, एंड बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आर डी एक्स। एंड यहाँ पे आपका जो डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई वन वाई टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, एंड डी वाई वन डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस एंड डी वाई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, दस द कंप्लीट सोल्यूशन आपका हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी सी और पी एफ और पी आई का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे। और इक्वेशन वन का अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि सॉल्व द वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर मेथड, यानी डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस सी का पावर माइनस टू एक्स का पावर माइनस वन बाई टू। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, यानी जी के डी के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम का वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ से सी एफ के वैल्यू को सिंपल से आप फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू वाई वन एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी एक्स, जहाँ पे वेयर वाई वन इज इक्वल टू ई का पावर एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स एंड कैपिटल एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस ई का पावर माइनस टू एक्स इंटू माइनस वन बाई टू। एंड यहाँ से W के वैल्यू को आप डिटर्मिनेंट के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो PI के वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी आर सॉल्विंग द I1, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस टू टू इंटू वन माइनस e का पावर माइनस टू x का पावर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई माइनस टू डी एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। और फाइनली जो आंसर होगा आपका इतना आंसर हो जाएगा। ओके, और यहीं से आपका मेथड फोर कंप्लीट होगा। और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।